मेरा नाम श्वेत राहुल है जी, और मैं इस वक्त जीनान शहर में, जो कि शेंडोंग प्रोविंस का दार हुकूमत है, मैं यहाँ पे पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक नेपाल से है। और मेरा शहर जो है ये वुहान से कोई 450 मील के फासले पर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे चाइना में ना सही बल्कि इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है, तो बिल्कुल इस वायरस के असरा जो है वो मेरे सूबे में भी काफ़ी हद तक महसूस किए जा सकते हैं। और चाइना में एक चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है कि जिन दिनों में यहाँ पे वायरस का अटैक हुआ है वो दिन जब यहाँ पे नए साल की छुट्टियाँ थी, तो ऑलरेडी सारी मार्केट्स वगैरह सब दुकानें बाजार बंद थे, और ऊपर से ये आफत आ गई वायरस वाली, जिसकी वजह से अब वो छुट्टियां जो है वो बहुत से उनके उसमें वो छुट्टियां, और उसकी वजह से बहुत सी दुकानें शॉपिंग के जो सेंटर्स हैं वो भी नहीं। लेकिन एक चीज जो इनकी हुकूमत की जिसकी मैं दाद दूंगा वो ये है कि जो अशिया खुर्दोनोश की तरसील है वो बिल्कुल जारी है, और रोजाना की बुनियाद पर इनके मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज जो है वो उसकी तशहीर करते रहते हैं कि फलां जगह से आपको इतनी कीमत पे ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी भी दिन हमें कोई मसला नहीं हुआ। और वुहान शहर जो है वहां का तो जाहिर है आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे इस वबा ने उसको मुतासर किया है, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनको खाने पीने की चीजें, हमें मास्क वगैरह जो है वो यूनिवर्सिटी ने फराहम किए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और इसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी वक्तन फ़ौरन उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा हमारा डेटा जो है वो भी इकट्ठा किया गया यहाँ पे, यहाँ तक इन्होंने हासिल किया हमारे पास भी नहीं ठहरा हुआ इसका ताल्लुक उसे, या हमारी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपडेट भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इलाके हैं उनकी नाकाबंदी की गई है, कोई जिसका ताल्लुक उस खास रियासतों से वो उसको वहां पे एंटर होने दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को सील किया गया है, कोई भी जिसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से नहीं है उसको किसी बुनियाद पे यहाँ पे ठीक है। जो हमारे यहाँ पे रिहायश गाह हैं डॉर्मेटरीज जो हैं और वो बड़ी सख्त किस्म की निगरानी जा रही है, और किस्म की कोई ऐसी यहाँ पे हमने अभी है कोई भी ऐसी सरगर्मी हमें नहीं देखने को मिली कि जिससे कोई हमें खास परेशानी हो। वैसे भी जो ये दिन है ये यहाँ पे जो तालीमी तातीलात थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और जिसकी वजह से बड़ी तादाद जो कि तालिब इलमों की जिसमें चीनी तालिब इलम भी और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी वो सारे अपने मतलब तादाद उनके लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोग हैं काफ़ी तलबा हैं जिनका और वो लोग अपने तौर पर बहुत ही अच्छा मुझे ये बताएं शुएब कि जैसे बहुत सारे जो है ना सवालात आ रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे मुल्कों ने चाइना से अपने जो शहरी हैं उनको वापस अपने अपने मुल्कों में बुलाया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि इंडिया जो है ना उसने अपने शहरी वहाँ से निकाले हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से उन्होंने जो है वो उनको इवैक्यूएट कहते हैं कि वो इवैक्यूएट किया। अब एक अजीब सा प्रोपेगेंडा एक मशीनरी जो है ना वो चलना शुरू हो गई है। आपको आप ख़ुद एक उस शागिर्द हो उस वहाँ पर स्टूडेंट हो पाकिस्तान से गए हुए हो और इसी चाइना शहर में हो, और ये बहुत सारे ये जो हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड ये किया था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो उनको हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ उनको जो है रिलेशनशिप पाकिस्तान का और
चाइना का इस तरह का है कि एक तो वो उनकी हेल्थ की सहूलियात बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो लोग आपके सूबे में भी इन्फेक्टेड हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, और वुहान में जो आपके दोस्त हैं जो आप शेयर कर रहे थे कि वो ट्रैवल उन्होंने किया है वहाँ पर, तो उनको किस तरह की ट्रीटमेंट जो है ना वो मिल रही हैं, और उनको किस तरह से उनको जो आपके सूबे से वहाँ गए हैं जो आपके साथ पढ़ते थे और वहाँ वुहान में गए हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको सुन रहे होंगे तो आप उनसे ज़रूर ये बात शेयर करें कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स वहाँ हैं उनकी ट्रीटमेंट किस तरह है और आपके दोस्त क्या वहाँ बात बताते हैं। बुनियादी तौर पे जी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चीन के अंदर, पूरे चीन के अंदर जो सेहत की सहूलियात हैं, जो यहाँ पे हेल्थ केयर की सहूलियात हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि वुहान में कुछ दिनों ही में उन्होंने एक दो जो है वो बड़े बड़े अस्पताल जो है वो वहां पे खड़े कर दिए हैं। जहां तक मेरे इलाके में यहाँ पे जो सेहत की सहूलियात का ताल्लुक है, तो बिल्कुल वो आलमी मेयार की हैं। और जब ये वायरस की तशखीस कुछ हुई यहाँ करीबी इलाकों में, फिर हमारे कुछ तालिब इल्मों के अंदर जो एक दो केस आए, तो उनको पूरी प्रोटेक्शन में बाकायदा किट के साथ उनको एक स्पेशलाइज एम्बुलेंस में यहाँ से दूर लेके जाया गया। और जो दोस्त हमारे वुहान में गए, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी वो बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी प्रोटेक्टिव वहाँ माहौल में है, और उनकी यूनिवर्सिटी को सील कर दिया हुआ है, और उनको जो है वो खाने पीने की अशिया जो है उनके डोर स्टेप पे वहाँ पे उनको फराहम की जा रही हैं, और वक्तन फवक्तन उनका जो है वो मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। और इस दौरान जब कुछ एक दो तलबा को वहाँ पर जब ये वायरस की तशखीस हुई, तो उनको एक बड़े प्रोफेशनल अंदाज में एक बकायदा एक किट के अंदर उनको रखकर और उनको जो है वो एम्बुलेंस में वहाँ से लेके जाया गया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जो सेहत की सहूलियात हैं उसमें तो कोई कोई शक ही नहीं है कि चाहे वो शेंडोंग हो, चाहे वो हबे सूबा हो जिसमें वुहान शहर आता है, तो बिल्कुल ये सारी सहूलियात जो है वो यानी प्रोफेशनल है। सिर्फ एक इसमें जो है वो इन्होंने बहुत ही ज्यादा एहतियात की है, क्योंकि जो कोरोना है जो मरीज होता है, इसमें इसका वायरस बड़ी तेजी से फैलता है, इसलिए ये जो जो मरीज कोरोना वायरस से जो मुतासर शुदा है उनको बाकी मरीजों के साथ नहीं रखा जाता, तो इसलिए जो है इन्हीं जो काम के उन्होंने फैसला किया कि दिन रात एक करके यहाँ पर जो स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, तो एक डेडिकेटेड और सिर्फ कोरोना वायरस के मरीजों के वो जो है कॉन्टेक्ट और उन मरीजों को वहाँ पर उठाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि कुछ जो है ना वो पैनिक बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स में पैनिक बहुत ज़्यादा है ना, जो वुहान शहर में भी लोग बच्चे हैं पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको पैनिक बहुत ज़्यादा है। उनके बारे में अभी हम आप डिस्कस भी कर रहे थे कि वो लोग हैं जो कि नए नए गए, यानी जो लोग पहले से वहाँ मौजूद हैं उन्हें अंदाज़ा है कि वो गवर्नमेंट किस तरह की है, और क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बियॉन्ड किसी भी कलेमिटी के हैं, सीपैक देख लें, बीआरआई देख लें, हमारे रिलेशनशिप देख लें, तो वो बियॉन्ड इन चीज़ों सब चीज़ों के हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान भले हेल्थ से इतना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कुछ जो है वो अपने दोस्तों की वहाँ मदद करने की कोशिश की है, कुछ इक्विपमेंट्स भी गए हैं, मास्क हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हेल्थ के गए हैं, तो आप ये बताइए कि जो वहाँ शहर के स्टूडेंट्स हैं उनकी पैनिक लेवल को कम करने के लिए आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो दो तरह के कैटेगरीज हैं अगर आप पैनिक की बात करें, क्योंकि जब ये वायरस एकदम से वहां पर आया तो जो दो तलबा पहले से वहां पर थे, जो कि 2 साल से 3 साल से चाइना में जो रह रहे हैं, ठीक है, वायरस उन दिनों में आया जब पहले से चाइना में नए साल के सिलसिले में छुट्टियां थी, तो ऑलरेडी बहुत सी मार्केट्स और इलाके ऑलरेडी बंद थे, ऊपर से वायरस भी गया शिदत थी। तो ऐसे में जो पुराने वहां पे तलबा थे या पूरे चाइना में जो पुराने तलबा थे, उन्होंने तो पहले से चीजों का स्टॉक अपने पास रखा होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि नए साल की छुट्टियां 1 हफ्ता या 10 दिन जो है वो मार्केट में नहीं खुले। लेकिन जो नए तलबा थे उनमें से बहुत से ऐसे थे कि जिन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं किया, और वो बिल्कुल रोजाना की बुनियादों पर जो है बाहर चले गए, कैंटीन चले गए, कहीं चले गए, वो अपना खा पी रहे। लेकिन जब एकदम से ये वबा आ गई तो जो मार्केट्स खुली हुई थी या जो मॉल्स खुले हुए थे, शॉपिंग मॉल्स या
ग्रॉसरी स्टोर्स वो भी बंद हो गए। तो बिल्कुल एक तो वो वहाँ पे जाएंगे अचानक से बंद हो गए, और दूसरा जो है वो यूनिवर्सिटी में उनकी फार्मेसी भी सील हो गई। अब वो चूंकि वहाँ पे नए थे, कुछ भी नहीं है उनको हुए थे, तो वो बिल्कुल पैनिक पैनिक हो गए, और उन्होंने एकदम से अपनी वीडियो जो है वो बना बनाते और दुनिया को बताना शुरू किया कि हमें यहाँ से निकाला जाए। लेकिन जो जिसमें मैं बिल्कुल 360 डिग्री का जो है वो उन्होंने उसका जाग्या पेश किया, और उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये कुछ दिन सब चुके हैं और ये लोग हमारे साथ हैं, और बिल्कुल। और साथ ही में जो एक चीज अच्छी हुई जो मैं इजाफा करना चाहूंगा कि हमारी जो सफीर पाकिस्तान है मिसेज नगमाना हाशिम, उनका जो है वो 7 मिनट का वीडियो पैगाम आया हमारे लिए, और जो हमारे यहाँ पे वी चैट ग्रुप में जो है वो शेयर हुआ बहुत ज्यादा, और उन्होंने बिल्कुल हमें जो है वो तसल्ली दी। और साथ ही में जो दो थर्ड सिक्योरिटी सेक्टर्स थे पाकिस्तान के सफारतखाने के, उनके फोन नंबर उसने शेयर किए गए और उसको बताया गया तमाम, और हमें कहा गया कि किसी भी सूरत में इनसे रब्ता करें, और बिल्कुल सफारतखाना हमसे रब्ते में रहा, सफारतखाना हमसे रब्ते में है। और बिल्कुल आप ये बात समझ सकते हैं कि 30,000 के करीब जो है वो पाकिस्तानी तलबा पूरे चाइना में मौजूद हैं, तो सफारतखाने का हमला भी एक महदूद सा होता है। तो मतलब अगर उसमें किसी चंद तलबा को शिकायत है भी तो बिल्कुल वो शिकायत उनकी बजाय। अच्छा, और दूसरा ये भी है कि जब हम किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो ज़ाहिर है घर वाला माहौल तो नहीं होता, वो फिर आपको उन 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 जगहों पर उन चैलेंजेस पर मुकाबला करना पड़ता है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, वो आपका घर जैसा माहौल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स या जो लोग हमारे बाहर पढ़ने गए हैं या काम करने गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि इन चैलेंजेस में जहाँ पर पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है वो उसका इतना प्रोपेगेंडा अपने पिछले दिनों मुझे देखने को भी मिला और दोस्तों से भी देखने को मिला, कि जहाँ पर कुछ ऐसे दोस्तों ने कुछ वीडियोस भी और मैसेजेस भी शेयर किए हुए थे, यूँ लग रहा फिर वही वीडियोज़ जो है वो हमारे जो दुश्मन हैं, जो कि हमारे हमें नहीं चाहते कि हम आप इकट्ठे रहें, तो उन्होंने वो उसको एज अ प्रोपेगेंडा यूज़ किया और फिर उसको चढ़ाया। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे हमें स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट या जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जो कि हमारा दोस्त भी मुल्क होता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इन प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा ना बने? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो हमें समझना चाहिए कि हम जिस मुल्क में हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जैसे अभी बार आप देख रहे हैं चीन है, तो पाकिस्तान की भी चीन के साथ ताल्लुकात की नियत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन ने बहुत से मौके पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनली, उसने गैर मशरूत तौर पर उसने हमें सपोर्ट किया। तो मुश्किल की इस घड़ी में हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें चीन को सपोर्ट करना है, और अगर वक्ती तौर पर हमें कुछ मुसीबत या मुश्किल आती भी है तो हमें इस बात को पेश नजर रखना चाहिए कि चीन इस वक्त 30,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा को जो है वो वजायत फराहम कर रहा है। यानी इस वक्त चीन में सबसे ज्यादा जो बैन अक्वामी तलबा मौजूद है वो नंबर एक पर थाईलैंड है, और नंबर दो पे साउथ कोरिया है, नंबर तीन पर पाकिस्तान है। तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, और साथ ही में जो एक बड़ा तबका जो पाकिस्तानी तलबा का था वो इस बात पर यानी शिकायत उनकी थी, जो कि मैं समझता हूँ किसी हद तक जायज भी थी। वो ये कह रहे थे कि बाकी ममालिक जैसे अमरीका, जापान और फिर बाद में बांग्लादेश और इंडोनेशिया, भारत, तो उन्होंने कहा कि अगर ये ममालिक अपने तलबा को यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं और निकाल के लेके जा रहे हैं स्पेशल तैयारी उन्होंने, तो पाकिस्तान उन्हें निकाल कर लेके जा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथियों को इस बात की समझने की भी जरूरत है कि हमारा मुल्क जो है जैसा भी है उसकी भी उसकी उसके अपनी भी कई लिमिटेशन है। तो ऑफकोर्स हमारे पास उन किट्स की कमी थी, और हमारे पास जो इंतजामी आफात से निपटने का जो इदारा है एरा, उसका भी कोई इतना ज्यादा या जो NDMA है उनके पास भी कोई ऐसी कोई सेटअप नहीं था। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में इन तलबा को वहां पर वापस लेकर जाया भी जाता तो वहां पर एक खलबली मच जानी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको गुफ्तगू के पहले हिस्से में बताया कि कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेजी से फैलता है और इसका पता भी एकदम नहीं चलता। तो वहां पे क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज थी, 14 दिन जो कोरोना के सस्पेक्ट को अलग रखा जाता है, वो भी कोई इतनी कोई इतना तसली बख्श नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि इस कई हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा जो है वो ऐसा कदम दिया जो उन्होंने 3-4 दिन तक
چین کے ساتھ جو براہ راست فضائی آپریشن تھا اس کو معطل رکھا اور اب اس کو سلسلہ وار جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے پاکستان میں آپ پڑھتے بھی رہے ہیں, آپ پاکستان سے گئے بھی ہیں, یہیں بڑے بڑے ہیں, اب آپ چین میں گئے ہیں ایز اے ڈیولپ, آپ کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے یا آپ جو پڑھ رہے ہیں وہاں پر, تو آپ وہاں کے تعلیمی معیار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہیلتھ کا سسٹم تو ہم نے ان کا دیکھ بھی لیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو اب تک کی آؤٹ بریک ہے اس میں اگر یہ چین نے کوارنٹائن نہ کیا ہوتا تو بہت خلاقتیں ہوتی. اچھا خیر, جو تعلیمی معیار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ, یہ تو ایک آفات ہے ختم ہو جائے گی, تعلیمی معیار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تعلیمی معیار جی دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا نے اپنے ملک کے اندر لاکھوں طلبا کو جو ہے لاکھوں بین الاقوامی طلبا کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس کی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس تعلیمی ادارے, اعلیٰ تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر اور لیبارٹریز ان کے پاس موجود ہیں. میرا شعبہ چونکہ اکنامکس ہے, معاشیات, تو بالکل وہ یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کی جو ہے وہ ہمیں تمام فیسلٹیز موجود ہیں. بڑے بڑے جو ریسرچ پبلیکیشنز کی جو سبسکرپشنز ہیں جو کہ ہمیں پی ایچ ڈی کے اس لیول پہ ضرورت ہوتی ہیں, وہ بالکل ہماری یونیورسٹیز کے پاس ہیں. وقتاً فوقتاً مختلف پی ایچ ڈی سیمینار جو ہیں وہ بھی منعقد ہوتے ہیں جس میں ہم شرکت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل فیکلٹی ہے, یعنی کہ ایک چائنیز کے علاوہ جو ہے باقی فیکلٹیز جو انٹرنیشنل ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں, اور میرے اپنے سپروائزر جو ہیں وہ سنگاپور کے ہیں. تو اس لحاظ سے, ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, اور پاکستان کو چاہیے, ہمارے ملک کو چاہیے کہ وہ ان سے اس فیلڈ میں سیکھے اور مزید جو ہے وہ, تاکہ سی پیک کی طرح جو ہے وہ مزید تعلیمی میدان میں بھی ہم آپس میں پڑھتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ایک یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں نا, تو یہ جو یونیورسٹی ہے تعلیمی نظام کے علاوہ, یہ یونیورسٹی آپ کو اس آؤٹ بریک, اس یہ جو سیناریو بھی کریٹ ہوا ہوا ہے کرونا وائرس کا, ہیلتھ کا اتنا بڑا ہیزرڈ ہے, تو یونیورسٹیز کے رول کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنس تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایسا انسان تیار کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر جا کے اس کا سیوک سینس, لیڈرشپ اور ڈفرینٹ رول جو ہے نا, وہ جو اسٹوڈنٹ نے طلباء نے پلے کرنے ہوتے ہیں, جا کر وہ رول پلے کرنا ہوتا ہے, وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آؤٹ بریک میں آپ یونیورسٹیز کے رول کو کہاں دیکھیں گے, کہ وہاں کیسی یونیورسٹیز ہیں کہ وہ طلباء کو کس طرح گائیڈ کر رہی ہیں, پروٹیکٹ کر رہی ہیں اور ان کو ہیلپ کر رہی ہیں؟ تو یونیورسٹیز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے لیے تو یہ یونیورسٹی نہیں بلکہ یہ ہمارا گھر ہے, کیونکہ ہم اسی کے اندر رہتے ہیں. بہت کم تعداد میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹی سے باہر جنہوں نے اختیاری طور پر اپنی رہائش رکھی ہوتی ہے, لیکن ہم تو یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں, ہمارے لیے تو یونیورسٹی گھر ہے. تو بالکل جہاں تک میری یونیورسٹی کا تعلق ہے, تو اس نے ہمیں ہر لحاظ سے ہماری جو ہے وہ دیکھ بھال کی, اور ہمیں جو ہے وہ مطلب اس عمر کو ہمیں یقینی بنایا کہ یہ وائرس جو ہے وہ کسی صورت بھی ہماری یونیورسٹی میں پرکھ نہ سکے. اور بالکل جیسے آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز کی اہمیت جو ہے وہ ان حالات میں بہت ہی زیادہ, کہ ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ طلبہ کو جو ہے وہ پرسکون رکھیں, ان کو پینک نہ ہونے دیں, ان کو پراپرلی جو ہے وہ ویکسینیٹ کریں, ان کا جو ہے وہ جیسا بھی صورتحال میں باڈی ٹیمپریچر کی انہوں نے ہماری مانیٹرنگ کی, جو طلبہ سسپیکٹس تھے ان کو پھر اور باقی طلبہ سے جو ہے وہ الگ کر کے کوارنٹین کیا گیا, اور اس بالکل مطلب کوئی ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ہے. اور میرے جیسے بہت سے اور بھی طالب علم ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, آپ تک پہنچی ہوں گی, کہ جن کو اسی طرح جو ہے ان کی یونیورسٹیز نے جو ہے وہ کیئر کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے, بہت سارے دوست ہمارے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں ڈفرینٹ طرح کے جو کہ طلباء کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو چینی حکومت جو ہے وہ ان کا ساتھ تو بہت دے رہی ہے, لیکن وہ خود کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے شیئر کر رہے ہیں کہ جو پروپاگنڈا جو ہے اس میں مشین میں جا رہے, تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ خود سے ویڈیو اس طرح سے بنا لینا اور وہ اس پینک میں یہ سوچنا, دوسری وہی جیسی طلباء کی بات ہے,
तो उस प्रोपेगेंडा मशीन और उनका हिस्सा बनने से अपने आप को कैसे रोका जाए, क्योंकि तलबा का बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, आप लोग तो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ। देखिए जी, बिल्कुल आपने सफीर की बात बिल्कुल ठीक की। जितने भी पाकिस्तानी तलबा अमेरिका जाते हैं, अमेरिका उनको कहता है कि कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, उनको एक टाइटल देता है, उनको एक बैच देता है और वो तमाम उम्र उस बैच के साथ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जितने भी चीन के अंदर मौजूद हैं, आपके समय में आएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ पार्टनर नहीं है बल्कि हम कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है चीन के अंदर। हम जो कुछ भी कहेंगे, हम जो भी अपनी बात शेयर करेंगे, और अगर वो जरा सी भी नेगेटिव हुई, वो बात अगर ठीक भी हुई और नेगेटिव भी हुई, तो उसको वो ना सिर्फ झट से इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी पाक चीन दोस्ती के ऊपर, जिनको जिनके मफादात को ज़्यादा बड़ी है और वो इस पर खुश नहीं है, तो उनके लिए मेरा एक पैगाम यही है कि भाई आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप लोगों की सारी शिकायत जो है वो नाजायज होंगी, बहुत से आपको मसाइल होंगे भी, जाहिर है। 1 अरब 40 करोड़ का चीन का अपना मुल्क है और फिर उसके ऊपर इन्होंने लाखों इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है अपने अंदर उन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है। तो ऐसे में आप ये भी याद रखें कि ये मसाइल सिर्फ आपके साथ नहीं है बल्कि चीनी अवाम के को खुद भी आपसे ज्यादा मसाइल का सामना। तो आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, यह मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह जल्द ही कट जाएगा और फिर से आप उसी तरह अपने वज़ाइफ को और अपने वक्त को और अपनी तालीम को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते आप ये आपसे ये पूछूं कि ये तो हमने बात कर ली अपने पाकिस्तानी दोस्तों की जो वहाँ पर रह रहे, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम बड़ा एक अमेजिंग सिचुएशन है, एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन है चाइना में, और उसमें ऐसा चाइनीज़ नेशन ने किस तरह से इसको हैंडल किया, और आपके लिए कोई ऐसा बात है शेयर करने के लिए कि जो हमारे दोस्त जो आपको सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, कि उनके लिए एक सबक आमोज। मुझे यूँ लगता है कि चीन ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है, जहाँ पर वो दुनिया जहान में वो अपने आप को क्वारंटाइन उन्होंने फ़ौरन कर लिया, जहाँ वो नुकसान भी उठा रहे हैं, तो उनकी एज ए नेशन उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस हालात में चैलेंजेस में अपने आप को मजबूत भी रखा है, कैसे ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो कुछ उस बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल, इस मौजू पे मतलब जब आप देखते हैं, खासतौर पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हमने इस फेस किया, पाकिस्तान में जिस तरह जलजला जो है वो आया था, तो बिल्कुल जब हम इसको कंपेयर करते हैं जो कुछ यहाँ पे हमने देखा, तो सिचुएशन जो है वो बड़ी, यानी कि हमें उससे सबक भी हासिल हुआ। जैसा कि अभी यहाँ पे वायरस की यहाँ पे जो हुआ ये सारा सिलसिला, इसमें हमने एक तो सबसे बड़ा आपने देखा कि चीनी अवाम की चुस्ती और इनकी एफिशिएंसी, आपने देखा कि चंद ही रोज में इन्होंने मुख्तलिफ अस्पताल जो है वो खड़े कर दिए और इतने बड़े बड़े कर दिए। साथ ही में हमने इनके अंदर देखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिविक सेंस, ठीक है, वो हमने इनमें बहुत देखी। हर शहरी जो है वो एक उसने जिम्मेदार होने का सबूत दिया। इनके जो रिहायशी इलाके थे वहां पे शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत वहां पे उसको उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया अपने अपने इलाकों को, और उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि बाहर का कोई आदमी भी बगैर चेकअप के उनकी उनके उस इलाके में ना जाए। बल्कि एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने अपने इलाकों में लोगों को पैसे ऑफर किए कि हम आपको पैसे देंगे अगर आप हमें सबूत के साथ वो बंदे बताएं जो इन वायरस के दिनों में किसी भी तरीके से वुहान से आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और साथ ही में हमने यहाँ पे इनके सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें लोग जो है वो चुपके से आते हैं, उनके पास जो है वो मास्क के डब्बे होते हैं और वो जो है वो चुपके से जो है वो रख जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अवामी मकान पे, ताकि बाकी लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके, और वो ये नहीं चाहते कि उनकी तशहीर हो। और साथ ही में इनकी हुकूमत की तरफ से हमने ये देखा कि वक्तन फवक्तन अवाम को जो है वो मुख्तलिफ गाइडलाइंस जो है वो रोजाना की नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से पीरियडिकली उनको दी जा रहे हैं, और साथ ही में उनको जो है वो फिर एक और चीज जो हमने यहाँ पे सीखी कि डेटा मैनेजमेंट, साथ ही साथ हर वक्त उनको बताया जा रहा है नक्शों के साथ कि इस वक्त चीन में किस सूबे के किस शहर में कितने केस हुए हैं, उसमें कितनी अमवात हुई है, कितने लोग क्योर हो गए हैं, ठीक है, और कितना थ्रेट जो है वो इस वक्त मौजूद है वहां पर। और इसके अलावा हमने देखा कि बहुत से चाइना के दूर अफ्तादा इलाकों से जो है वो डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन के लोग, जिसमें पाकिस्तानी भी एक पाकिस्तानी डॉक्टर है यहाँ पे, उनकी वीडियो भी बड़ी चल रही है कि जो चाइना के किसी और हिस्से में थे लेकिन उन्होंने अपनी सर्विसेज को जो है वो वॉलंटियर किया। तो जो वॉलंटियरिज्म का जज्बा है, जो रजाकाराना इन लोगों
चीनी आवाम के अंदर जो जज्बा है वो इस कोरोना वायरस के मौके पे हमने भरपूर देखा कि वो लोग ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मजीद जो है वो ये हमने देखा कि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी बहुत से इकदाम, जिनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया, बहुत से कुछ और भी हैं जो लोगों ने इकदाम का जो है वो इकदाम उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो इतना ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल किसी हद तक इन लोगों के कंट्रोल में। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो बड़े मज़ेदार किस्म की आपने जो है डिस्कशन हमारे साथ की हैं। आई मीन बंदा इनको इनको सोचता है, उनको देखता है तो बंदा ये देख रियलाइज़ करता है कि सिविक सेंस आपकी, डिसिप्लिन आपकी, सब चीज़ें मिलकर ये कौम इस तरह से बनती है। और इतनी अमेजिंग किस्म की जो इन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, इट इज़ समथिंग वेरी रिमार्कबल। और मेरा ख्याल है कि आपके साथ हमें गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया शुहेब, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया है। और जो वक्त हम रेगुलरली हम आपसे बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे आपकी सेहत का भी और आपका भी। और मेरा ख्याल है कि चीनी आवाम इतनी मज़बूत है कि वो इस चैलेंज को जो है वो फेस कर लेगी और उससे निकल भी आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।